एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। माय नेम इज़ डॉक्टर रितु। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रग पिक्चर ऑफ आर्निका के बारे में। ना आर्निका होम्योपैथी में द मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज एंड द मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन है, जिसकी ड्रग पिक्चर बहुत ही कम नोन होती है, बिकॉज इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इतने ज़्यादा पॉपुलर है जिसकी वजह से इसका यूज़ बहुत एक्सटेंसिव है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्निका के सारे बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में, इसकी कंप्लीट ड्रग पिक्चर के बारे में। सो प्लीज़ अगर आप देखना चाहते हैं कि आर्निका की ड्रग पिक्चर कैसी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और साथ ही साथ अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आर्निका की। आर्निका का कंप्लीट नेम है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना जो एक ड्रग है वो बेसिकली प्लांट किंगडम से आती है, और इसका कॉमन नेम फॉल क्रॉट, फॉल हर्ब, ऐसे भी इसे कहते हैं। क्योंकि ये जो हर्ब है, ये जो प्लांट है, माउंटेनेशियस रीजन्स में ज़्यादा मिलता है, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा मिलता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हर जगह बहुत ही ज़्यादा ईजिली अवेलेबल प्लांट है, कॉमनली मिलता है। इसकी ग्रो, जो इसकी ग्रोथ है, वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही होती है। इससे रिलेटेड एक स्मॉल सी जो टेल है, एक स्मॉल स्टोरी है, जिसमें कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार काफ़ी सारे लोग जो हैं पहाड़ से, जो है पहाड़ी इलाकों में से नीचे गिर गए थे कुछ पहाड़ों से, तो आसपास के जो लोग थे वो गैदर हुए, उन्होंने इस प्लांट पर पोर किया बॉइलिंग वाटर, काफ़ी बॉइलिंग वाटर उन्होंने पोर किया, और जब वो बॉइलिंग वाटर से जो एक बेसिकली एक इन्फ्यूजन जो तैयार हुआ, उस वाटर को उन सभी लोगों को दिया जिनको वो इंजरी हुई थी। इंजर्ड मैन को देने के बाद उन्होंने बहुत ही एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स उसके देखे, और उसके बाद से आर्निका जो है इंजरीज के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। होम्योपैथी में भी आर्निका इंजरीज के लिए सबसे ज़्यादा दी जाती है, कॉन्ट्यूजन्स के लिए, लैसरेशन ऑफ फाइबर्स के लिए, ऐसी चोट जो गुम चोट होती है जिनमें से खून नहीं निकलता है, नील पड़ जाती है, यूजुअली जिसे हम हिंदी में कहते हैं नील पड़ जाना या अंदरूनी गुम चोट लगना, ऐसी चोटों में आर्निका बहुत ही अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। क्विकली मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आप याद रखेंगे तो आपको पूरा ड्रग बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले है बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ वीकनेस, बहुत ज़्यादा वियरीनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ वीकनेस, फिर हर जगह शरीर में ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने बहुत मारा हो। जब कोई बहुत मारे या कुछ लग जाए जो गुम चोट जैसा हो अंदरूनी, तो किसी दुखन होती है, शरीर टूटता है, इस तरह की ब्रूस फीलिंग, ऐसी दुखन जहाँ शरीर टूटता है, बहुत दर्द होती है, ऐसी ब्रूस सेंसेशन आपको आर्निका में सभी जगह मिलेगी। ऐसी ब्रूस सेंसेशन के लिए आर्निका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑल ओवर द बॉडी आपको एक ब्रूस सेंसेशन मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा दुखन होती है, बहुत वीकनेस होती है, वियरीनेस होती है, आपको बैक में पेन होता है, जैसे कि आप कहीं से गिर गए हो तो आपको जिस तरह का बैक पेन होता है वैसा बैक पेन होता है। चेस्ट में, रिब्स में, जो जितनी भी पसलियां हैं आपकी, रिब केज जो है, जरा सा भी मूव हुआ, जरा सा भी ब्रीथ किया तो एक एक जॉइंट, एक एक कार्टिलेज, एक एक बोन में इतना ज़्यादा दर्द होता है जैसे किसी ने बहुत मारा हो जरा से भी मोशन से। हार्ट में सेंसेशन होता है जैसे कि हार्ट किसी ने इसे स्क्वीज कर दिया हो, ऐसे जकड़ लिया हो, इस तरह का सेंसेशन होता है। आर्निका पेशेंट जब भी बेड पे लेटता है तो उसको ऐसा लगता है कि बेड बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ सॉफ्ट होना चाहिए, जबकि बहुत सारी चीज़ें सभी सॉफ्ट होंगी, बट सॉफ्टेस्ट चीज़ भी उसको ऐसी लगेगी कि बेड जो है बहुत हार्ड है, सॉफ्टेस्ट मैट्रिक्स भी उसको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जिसके लिए दी जाती है, जिसमें कि फीवरिश फीलिंग या फिर बुखार होना, जिसमें कि सिर्फ सर गर्म रहता है और रेस्ट ऑफ द बॉडी सारी ठंडी रहती है, बिल्कुल सिर्फ सर गर्म रहता है, ऐसे केसेस में आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। आई हैव गिवन इट मेनी अ टाइम्स फॉर दिस सिम्टम एंड आई गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट। टाइफॉइड जैसे सिम्टम्स, जिसमें कि अनकॉन्शियसली स्लीप के दौरान ही मोशंस पास हो जाते हैं, टाइफॉइड जैसा फीवर पैटर्न इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। प्यूट्रिड फिनोमेना, प्यूट्रिड फिनोमेना में कहते हैं जैसे कि कोई चीज़ सड़ जाती है ना, तो उस तरह का जो सेप्सिस वाला, पस वाला, ये कंडीशंस जब डेवलप होते हैं, फुंसियाँ होती हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। फोल ब्रेथ, मुंह से बहुत गंदी सांस आना, उसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, मुंह में एक बहुत ज़्यादा फोल टेस्ट होना, गंदा टेस्ट रहना, उसको कंपेयर किया गया है बैड एग्स जैसे होते हैं कि अंडे, जैसे खराब अंडे होते हैं, उनका जो स्मेल होता है ना, वैसा मुंह में टेस्ट, वैसा मुंह से ब्रेथ, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं। साथ ही साथ अगर पेशेंट को सडनली
ऐसा लगे कि वो मर जाएगा और उसका डेथ का, उसको इंस्टेंट डेथ का जो एक सडन शॉक लग जाए, हॉरर हो, उसके लिए अप्रोच के लिए दूर रहता है। मतलब कि आने का पेशेंट जो है कभी भी अपने नज़दीक किसी को भी नहीं आने देगा। ही ऑलवेज वॉन्ट कि उससे सब दूर रहें, दूर से बात करें, पास आकर कोई बात ना करे, टच ना करे, छुए नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। और डॉक्टर हैनेमन जो है, डॉक्टर हैनेमन ने एक लाइन, या बहुत सारी बातें कही, लेकिन डॉक्टर हैनेमन की एक लाइन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन इंजरीज कॉज बाय सीवियर कंट्यूजन्स एंड लैसरेशन ऑफ फाइबर्स। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है जहां पर बहुत सीवियर कंट्यूजन्स, मतलब कि कोई गिरा है उसके बाद उसको गुम चोट लगी है, जहां नील पड़ गई है, खून नहीं बाहर आया, ऐसे केसेस में, और लैसरेशन ऑफ फाइबर जहां ऊपर कोई खरोच नहीं है लेकिन अंदर अंदरूनी तौर पे फाइबर्स जो है, मसल फाइबर्स जो है वो टूट गए हैं, ऐसे कंडीशंस में भी बहुत अच्छा काम करती है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना और किन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए जाते हैं, टूथ एक्सट्रैक्शन के तुरंत बाद दांत निकलवाया है, उसके तुरंत बाद आप आर्निका लीजिए, बहुत ही अच्छा बेनिफिट करती है, बहुत अच्छा काम देती है। फ्रैक्चर जिनको डिसलोकेट हो जाता है जॉइंट या फ्रैक्चर हो जाती है, तो प्लास्टर के पहले क्या कराते हैं, वो क्या करते हैं, बोन को दे अलाइन द बोन, उसको लाइन में लेकर आते हैं और उसके बाद फ्रैक्चर वो बांध, वो फ्रैक्चर जो है उसको ठीक करने के लिए वो प्लास्टर रैप अप करते हैं। तो उस फ्रैक्चर को जब जो डिसलोकेटेड जॉइंट है या जो फ्रैक्चर्ड बोन है, ऐसे केसेस में बहुत ही वंडरफुली काम करती है आर्निका मोंटाना। ऐसे देने पर आर्निका बेसिकली 200 CC में वर्क्स वंडर्स, तो उसको देना चाहिए, बहुत अच्छा काम करती है। डिलीवरी के बाद फीमेल्स में, फीमेल्स जो है उनको डिलीवरी हुई तो उसके बाद तुरंत बाद उनको आर्निका हायर पोटेंसीज में देने में बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेन किया होता, जोर लगाया होता बेबी एक्सपल्शन के लिए, तो बहुत ही अच्छा वंडरफुली, क्योंकि क्या हुआ, बेसिकली मसल्स टायर्ड हो गए, एक टायर्डनेस, एक वीकनेस होती है, देन स्टिचेस कुछ लगे होते हैं, उनका जो है ब्लड लॉस हुआ है, स्टिचेस लगे हैं, शरीर में ऐसा दर्द होता है जैसे कि पूरा शरीर को किसी ने बहुत डंडों से मारा हो, बहुत मारा हो, इस तरह का दर्द होना, ब्रूज, टूटना शरीर का, इज बेसिकली सीन इन अ फीमेल जिसने अभी बेबी को डिलीवर किया हो। ऐसे केसेस में आर्निका देने पर वो सारे पेन्स ग्रेजुअली चले जाते हैं और एक नॉर्मल लेडी से बहुत ही जल्दी चले जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है इन दोस केसेस। आर्निका जो है, जैसे कि हम हनी, जो हनी भी होती है वो काटती है, तो उसको हनी भी काटती है, तो उसके काटने के बाद अर्टिका देते हैं, या फिर अगर आपको कोई और कीड़ा काटता है तो हम केंथारिस देते हैं, नैट बाइट करता है तो हम केंथारिस देते हैं, इस तरीके से। अगर वैस्प की स्टिंज होती है, वैस्प को हिंदी में हड्डा कहते हैं, बट एग्जैक्टली और अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में क्या कहते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन वैस्प की जो स्टिंज है आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, देख सकते हैं वैस्प को हिंदी में क्या कहते हैं। वैस्प जो है उसकी स्टिंच के बाद आने का बहुत ही वंडरफुल काम करती है। अब चलिए बात करते हैं मेंटल जनरल्स, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। मेंटल जनरल्स के लिए आर्निका में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आर्निका एक ड्रग है जो कि फिजिकल ट्रॉमा के लिए, हर जगह फिजिकल ट्रॉमा के लिए दी जा रही है, तो आर्निका ही वो ड्रग है जहाँ मेंटल ट्रॉमा भी होता है। ट्रॉमा सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही ट्रीट नहीं करती, आर्निका ट्रॉमा को ट्रीट करती है जब वो मेंटल ट्रॉमा भी हो, जैसे सडन किसी को कोई रियलाइजेशन हुआ हो, कुछ बुरा लगा हो, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि किसी को कोई सदमा लगा हो, अचानक कोई बात हुई हो या कोई स्थिति हुई हो जिसका सडन रियलाइजेशन हो, गिल्ट हो रहा हो, और मानसिक जो है ट्रॉमा, झटका लगना, तो फिजिकल ट्रॉमा के साथ साथ मेंटल ट्रॉमा के लिए भी बहुत अच्छा, जैसे कोई ठेस पहुंचती है ना किसी बात की, कोई बात की ठेस पहुंच गई, उसके बाद से सारे फिजिकल एलिमेंट स्टार्ट हो गए। कई बार पेशेंट अपनी हिस्ट्री में बताते कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ था जिसमें उनको मेंटली बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची, उसके बाद से उनका शरीर जो है डिक्लाइन करता गया, बाकी सारे फिजिकल सिम्टम्स उनके लिए आते गए। तो इस तरह के केसेस में आर्निका से बिगिन करने से बेहतर कोई मेडिसिन नहीं हो सकती, क्योंकि सारी कंप्लेंट्स जो है वो मेंटल लेवल से स्टार्ट हुई, साइकोलॉजिकली स्टार्ट हुई और मेंटल ट्रॉमा के बाद स्टार्ट हुई। तो इट इज वेल टू बिगिन विद आर्निका मोंटाना इन 200 और इन 1 mm और इन 10 mm एज पर द ससेप्टेबिलिटी। आप देख सकते हैं, आप जज कर सकते हैं, उसके बाद आप वो मेडिसिन ज़रूर दीजिए।
आर्निका का एक और मेंटल जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आर्निका मैंने कहा कि फियर ऑफ अप्रोच है, फियर ऑफ अप्रोच इन द सेंस बेसिकली फिजिकल एलिमेंट्स हैं, जहाँ जॉइंट में पेन है, हॉट सोलन जॉइंट है, तो कोई भी टच करे, कोई नजदीक आए, किसी का हाथ लग जाए, ये डर की वजह से वो मेंटल साइकोलॉजी हो जाती है कि मैं किसी को नजदीक नहीं आने दूंगा और दूर से सब लोग बात करो। बच्चे खेल रहे हैं तो जिनको, जो आर्निका मोंटाना पेशेंट होगा, आर्निका पेशेंट बिल्कुल दूर बैठा होगा कि कोई गलती से आके टकरा ना जाए, दूर भी कोई आने वाला होगा उसको पहले से चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे नहीं 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 पास नहीं आना। तो आर्निका मोंटाना को अप्रोच का बहुत ज्यादा फेयर होता है। इसके अलावा आर्निका जो है, जहाँ नील पड़ जाती है, ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। अब हम अगर बात करें आर्निका के मेंटल जनरल्स की, हम बात कर रहे थे, तो आर्निका इज अ पर्सनालिटी जो दे आर लाइक, उनको ऐसा फील होता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ जरूरत नहीं है, उनको किसी मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है। दे ऑलवेज से कि आई एम एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, आई डोंट नीड एनीवन। तो बस उसको अकेला छोड़ दो और उसको ये होता है कि मुझे कोई आसपास नहीं चाहिए, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आर्निका मोंटाना पेशेंट इज लाइक दिस, दे आर, अगर हम उनसे कुछ भी पूछते हैं तो वो करेक्टली उस चीज़ का आंसर देते हैं। दे आर नॉट एट ऑल इरिटेबल, काम एंड कोऑपरेटिव, बट ये है कि थोड़े अलग अलग तरह के डर जो है उनके मन में होते हैं। एंड स्पेशली जो ठेस लग जाती है किसी चीज़ की, उसके बाद जब फिजिकल कंप्लेंट स्टार्ट हो तो बहुत ही वंडरफुली काम करती है। अब हम बात करते हैं, जल्दी जल्दी से हम बात करते हैं फिजिकल जनरल्स के बारे में और पर्टिकुलर्स के बारे में। तो फिजिकल जनरल में अगर हम बात करें डिज़ायर की या भूख की, सबसे पहले बात करते हैं एपेटाइट की। एपेटाइट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, कैनाइन हंगर, दैट मीन्स हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। इसके बाद अगर हम बात करें डिज़ायर की, तो आर्निका को विनेगर, सिरका जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। हर एक चीज़ में सिरका का फ्लेवर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें मीट और मिल्क जो है उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना मीट का ना मिल्क का, तो ये दोनों चीज़ें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम बात करें स्टूल्स की, तो स्टूल जो है ब्राउन, ऑफेंसिव, प्यूट्रिड, मैंने आपको कहा था कि हर चीज़ में प्यूट्रिडिटी है, एक पस वाली जो है ना स्मेल है, तो प्यूट्रिड हो गए, ब्लडी, ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा स्मेली ब्राउन कलर के स्टूल्स होते हैं। दे आर लाइक डायरिया, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता लेकिन लूज मोशंस हो जाते हैं। यूरिन की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं, लंबे समय तक अगर यूरिन के लिए कोई एग्जर्ट कर रहा है, वो एग्जर्शन करते करते यूरिनरी ब्लैडर की और बाकी सारे यूरिनरी ट्रैक की मसल्स जो हैं इतनी रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, तो उस वजह से क्या होता है, यूरिन अपने आप ही बाद में रिटेन होने लग जाता है, यूरिन उसके अंदर ही रहने लगता है, पूरा यूरिन निकलता नहीं है, ब्लैडर में रहने लगता है, कलेक्ट होने लगता है, जिसे हम कहते हैं रिटेन्ड यूरिन फ्रॉम ओवर एग्जर्शन। बहुत ज़्यादा एग्जर्शन किया है उसके बाद से ऐसे रिटेन होने लग गया है यूरिन, तो ऐसे केसेस में बहुत ही वंडरफुली काम करती है। मैंने आपको बता भी देती हूँ, मैंने कई बार पहले भी बताया कि आर्निका एक बहुत अच्छी मस्कुलर टॉनिक भी है, इसलिए जॉइंट्स के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि आसपास के सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स को ये स्ट्रेंथ देती है, मसल को जो है ये स्ट्रेंथ देती है, तो आर्निका एक मस्कुलर टॉनिक है, तो इस केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आईज, नोज, इस तरीके से, तो हम पर्टिकुलर्स की बात करते हैं। चलिए, आईज में मेंटल ट्रॉमा के बाद कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है, या फिर अगर आई ट्रॉमा के बाद कोई चीज स्टार्ट हो रही है, आपको आंख पे कुछ लग गया था या आपको कोई भी चोट लगी जिसके बाद से आपका डबल विजन हो गया है, दो दिख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट दो दिख रहा है, या मस्कुलर पैरालिसिस है, आई लिड्स जो है वो ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है, रेटिना में हेमरेज स्टार्ट हो गए चोट लगने के बाद, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है क्योंकि चोट लगने के बाद चीजें स्टार्ट हुई हैं। इसके बाद अगर आप कोई बहुत क्लोज वर्क करते हैं जिसपे आंखों पे बहुत जोर पड़ता है, तो आपकी आंखें कैसी हो जाती है, थकी हुई हो जाती है, बहुत वियरी हो जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत थक रही हैं आंखें, तो ऐसे केसेस में आर्निका बहुत ही वंडरफुली काम करती है। अगर आप क्लोज कुछ वर्क करते हैं, बहुत आपकी आंखें बहुत थकी रहती हैं, आपने कुछ मूविंग पिक्चर देखा, साइट सीइंग की, तो आंखों में दर्द रहने लगा, तो बहुत ही अच्छा वंडरफुली काम करती है। कई बार क्या होता है कि अगर हम बात करें आईज की, तो हम स्विमिंग वगैरह का काम करते हैं, उससे भी कई बार आंखों में हमारे दर्द और दुखन रहने लगती है, तो वो ब्रूस फीलिंग रहती है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है आर्निका। अब हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट में मैंने पढ़ा भी है और आई हैव सीन इट कि एंजाइना पेक्टोरिस के केसेस में आर्निका बहुत ही कम सोची जाती है, लेकिन आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है।
एंजाइना के केसेस हुए जहां आपको पास्ट हिस्ट्री में मेंटल ट्रॉमा मिल रहा है, लेफ्ट एल्बो में सबसे ज्यादा होता है। कहते हैं ना एंजाइना का पेन जो है इट गोज ऑन द लेफ्ट साइड मोर, तो एंजाइना का पेन जो है लेफ्ट साइड जाता है, लेफ्ट एल्बो में सबसे ज्यादा होता है। हार्ट में ऐसा फील होता है जैसे किसी ने इसे जकड़ लिया हो। अगर हार्ट एनलार्ज है तो भी बहुत अच्छा काम करती है आर्निका मोंटाना। फीमेल्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम आर्निका को यूज़ करते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो हाथ पैरों में या जॉइंट्स में बेसिकली जो है गाउटी आर्थराइटिस, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। गाउट में बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पर पेशेंट को किसी के भी नज़दीक आने का बहुत ज़्यादा डर होता है। अगर डिसलोकेशन हो गई है, रिस्ट जॉइंट है वो उस पर स्ट्रेन हो गया है, स्प्रेन हो गया है, तो ऐसे केसेस में आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। स्किन की अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि स्किन जो है स्किन में वंडरफुली काम करती है, अगर नील पड़ गई है, ब्लैक ब्लू स्किन ऐसी हो रही है, बायलैटरली सिमेट्रिकल दोनों तरफ सिमेट्री में अगर कुछ भी हो रहा है, दाने निकल रहे हैं या छोटी छोटी फुंसियाँ निकल रही हैं, क्रॉप्स में इकट्ठी एक साथ काफ़ी सारी फुंसियाँ निकल रही हैं जो दोनों तरफ है, सिमेट्रिकल है, क्रॉप में एक गुच्छे की तरह काफ़ी सारी फुंसियाँ निकलती हैं, तो ऐसे केसेस में आर्निका एंड साइलिश है दो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। एक्ने हो गया है, किसी को एक्ने है, उस केसेस में दोनों ही गालों पर बायलैटरली बिल्कुल बराबर जो है सिमेट्री में आपको देखने मिल रहे हैं एक्ने के स्पॉट्स, तो बहुत अच्छा काम करती है। फीवर केसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि मोर और लेस इसकी टाइफॉइड जैसी प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन सर जो है बहुत गर्म होता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है बिल्कुल ठंडी होती है, शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे केसेस में आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इसकी मोडालिटीज़ है, मतलब किन चीज़ों से वर्स होती है, किन चीज़ों से बेटर होती है। तो वर्स होती है ज़रा सा भी मूव करने से आर्निका वर्स होता है, मोशन से वर्स होता है, रेस्ट पे भी ये वर्स होता है, मॉइस्ट चीज़ों पे भी वर्स होता है। कितने कई पेशेंट आपको कहेंगे कि मुझे ना चल के आराम आता है ना बैठ के आराम आता है, दैट इज़ आर्निका। ना बैठ के आराम आ रहा है ना चल के आराम आ रहा है, दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम सेम है। डैम्प वेदर से बहुत प्रॉब्लम है कि ठंडा हुआ, ह्यूमिड हुआ मौसम, मॉइस्चर आया, थोड़ा सा बारिश हुई, उसमें दिक्कत हो रही है, ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है आर्निका को। बेटर किन से होता है, अगर वो अपने सर को थोड़ा सा ऐसे मतलब कि लेटे हुए सीधा और हेड को थोड़ा सा लो, थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर करके लेट जाते तो दे फील बिट बेटर। अगर हम बात करें रिलेशनशिप ऑफ ड्रग्स की, तो एंटीडोट करती है कैम्फर और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है एकोनाइट एंड इपिकैक। एकोनाइट एंड इपिकैक इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है और इसको एंटीडोट करती है कैम्फर। इसको किस पोटेंसी में दी जा सकती है, सारी पोटेंसीज बहुत अच्छी हैं, मिडिल पोटेंसी से शुरू कर सकते हैं 30 से। लोकली टिंचर भी यूज़ किया जाता है, जनरली कहीं पर भी कोई गुम चोट लग गई है वहाँ पर टिंचर भी यूज़ किया जाता है। लेकिन एक चीज़, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्लेमर, इट्स अ काइंड ऑफ कॉशन टू आर्निका, कहीं पर भी ऐसी चोट लगी हो जहाँ पर खरोच आई हो, मान लीजिए आपकी गुम चोट है अंदर नील है, लेकिन अगर ऊपर से स्किन जो है जुड़ी हुई नहीं है, स्किन पे कोई खरोच है, तो कभी भी आर्निका 1x नहीं 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 सॉरी आर्निका मदर टिंचर अप्लाई नहीं करेंगे। यू शुड नेवर अप्लाई आर्निका मदर टिंचर ओवर देयर। लोकल एप्लीकेशन सिर्फ तभी होगा जब आपकी स्किन इंटैक्ट है और सिर्फ गुम चोट लगी है, अदरवाइज आप इंटरनली खिला दीजिए, ज़्यादा बेटर है। आप लोकली कभी भी अप्लाई ना करें, क्योंकि उस जगह पर काफ़ी सारे इरप्शंस एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए, घर पर रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। टेक केयर, बाय बाय।